हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टेंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, जिससे कि हमें उस वर्ड से हमें पता चलता है कि वो कोई कार्य कौन सा हो रहा है। जिस वर्ड से हमें पता चलता है वो हमारी वर्ब होती है। और जब वर्ब का हम ऐसा फॉर्म लेते हैं जिससे हमें उस समय का पता चलता है कि वो काम जो है वो किस समय पे किया गया है, तो उस वर्ब की फॉर्म को हम टेंस कहते हैं। टेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है, भूतकाल। प्रेजेंट टेंस जो हमारा वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान काल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि जो भविष्य में आएगा, भविष्यकाल। लेट्स सी। ईच ऑफ द टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। जो सारे आपके टेंस होते हैं, तीन टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों को आगे और भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, और चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। अगर पास्ट टेंस होगा तो उसमें भी सिंपल इंडेफिनिट टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट में भी आपका सिंपल टेंस मिलेगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में भी ये चारों मिलेंगे। इस तरह से आपके पास टोटल 12 टेंस होते हैं। हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, उसको अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस आपका टेंस, कोई आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, आप इसको कैसे पहचानोगे? तो उसमें हिंदी में, हिंदी की जो एंडिंग होगी उसमें रहा था, रही थे या रहे थे आपका लास्ट में आ रहा होगा। जैसा कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा है कि वह एक पत्र लिख रही थी, इसमें देखिए रही आ रहा है और संग में थी आ रहा है। ये रही थी हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब अगर हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेशन इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसमें एक सब्जेक्ट ढूंढना होगा अपने सेंटेंस में, सब्जेक्ट हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाएंगे। वो हम आपको आगे बताएंगे कि किसके संग हम वॉज लगाएंगे और किसके संग हम वर यूज़ करेंगे। फिर जो हमारी वर्ब होगी, हमें उस सेंटेंस में अपना वर्ब ढूंढना होगा कि वो कौन सा काम हो रहा है। फिर उस वर्ब में हम ING लगाएंगे। और फिर जो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, यानी कि जो कर्ता जो कार्य कर रहा होगा या उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट उसमें ढूंढेंगे और उसको हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख रही थी, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है, यानी कार्य कौन कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वह कार्य कर रही है, तो हमने सब्जेक्ट अपना वह का क्या कर दिया, शी लिख दिया। फिर हमने वॉज या वर लगाया, तो शी के संग वॉज लगता है तो हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। फिर आ रहा है वर्ब में ING फॉर्म, तो हमने इसमें से ढूंढा कि वर्ब कौन सी है, तो इसमें था लिख रही, लिखना हमारी वर्ब थी। और लिखना को इंग्लिश में हम राइट करते हैं, तो राइट में हमने ING लगा दिया तो राइटिंग हो गया। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी वो क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा था, पत्र लिख रही थी, तो हमने वहाँ पे लास्ट में उसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, अ लेटर। तो वह एक पत्र लिख रही थी का हो गया शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं। मैंने सेम सेंटेंस दिया है जिससे आपको इसमें डिफरेंस करना इजी हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होती हैं तीनों टेंसेज में। इसमें आपको हिंदी में लास्ट में मिलेगा रहा, रही, रहे, प्लस उसमें है लगा होगा, यानी कि जैसे वह एक पत्र लिख रही है, अभी पास्ट में था तो उसमें क्या था, वह एक पत्र लिख रही थी। और अगर वो प्रेजेंट में होगा तो उसमें रही है आ जाएगा, या रहा है या रहे हैं आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको अगर हमें करना होगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, फिर अब वॉज वर ना लगा के, वॉज वर हमारा पास्ट में लगता है, प्रेजेंट में हम इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, वो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि जो सब्जेक्ट होगा और उसके संग जो लगती होगी वो हम इज एम आर में से तीनों में से कोई एक लगाएंगे। फिर वर्ब हम ढूंढेंगे और वर्ब में भी ING लगा देंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा।
तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह पत्र लिख रही है, तो हमने उसका शी किया। फिर शी के संग इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो हमने इज लगाया। वर्ब हमारी थी लिखना, तो राइट में हमने आईएनजी लगा दिया। और ऑब्जेक्ट हमारा था पत्र, तो हमने लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेटर। फिर हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। सेम सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख रही होगी। अब इसकी पहचान आपकी होगी कि रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी या होंगे लास्ट में आ रहा होगा। जैसे इसमें आपका आ रहा था पत्र लिख रही थी, प्रेजेंट में वो पत्र लिख रही है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आ जाएगा वो एक पत्र लिख रही होगी। अब इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर अब इसमें हम विल या शैल लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर हम उसमें बी लगाएंगे, फिर वर्ब होगी तो वर्ब लगा के उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट रख देंगे। सब्जेक्ट हमारा शी थी, वो पत्र लिख रही थी तो शी हमने लिखा। शी के संग विल लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी, तो विल हमने लगाया। फिर ये बी लगता है, बी हमने इसको यहाँ पे लिखा। फिर वर्ब में आईएनजी लगाया, वर्ब हमारी लिखना थी तो राइटिंग लग किया हमने, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर था। ये हमने इस तरह से कर दिया। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, वह एक पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो शी इज राइटिंग अ लेटर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो गया हमारा, वह एक पत्र लिख रही होगी, तो शी विल बी राइटिंग अ लेटर। ये तीनों डिफरेंस आपका होगा कंटिन्यूअस टेंस में। सो यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये आपने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी आगे कि हम इसको लगाना होता है कि प्रेजेंट में हम इज, एम, आर लगाते हैं, पास्ट में हम वॉज, वर लगाते हैं, और फ्यूचर में हम विल, शैल लगाते हैं। तो अब कौन सी वर्ब हम किसके संग लगाते हैं ये देखते हैं। अगर आपका प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ होगा सब्जेक्ट में, तो आप उसके संग इज लगाओगे। अगर आई है तो आई के संग हमेशा एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अगर इसमें आपके सब्जेक्ट में यू है, वी है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नाउन है, तो उसके संग आप आर लगाते हैं। फिर अगर पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस में वॉज या वर यूज़ करना होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, आई है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, तो उसके संग हम वॉज लगाते हैं। इसमें कोई एम का नहीं होता है, आई के संग भी हम वॉज ही लगा देते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है, तो उसके संग हम वर यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा के यूज़ करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो आई और वी के संग हम शैल यूज़ करते हैं, फिर बी लगा के फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और अगर ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, सिंगुलर या प्लूरल नाउन है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, उसके संग हम विल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद भी और मेन वर्ब में आईएनजी लगा के हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद हम और क्लियर इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल से। पास्ट कंटिन्यूअस सब में देखिए, आपको लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे मिल रहा होगा। जैसे वह खाना खा रहा था, वे खेल रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, सीता गाना गा रही थी। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। वह खाना खा रहा था, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे, वह। तो वह को हम, क्योंकि था है तो इसका मतलब है कि ये हमारा लड़का है कोई, ये हमारा थी तो है नहीं, तो इसलिए हम ही यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद हमको, चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, हमको पता चल रहा है रहा था से कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हमें वॉज या वर में से लगाना है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ही है, शी है, इट है, तो इसके संग हम वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही था, तो ही के संग हमने वॉज लगा दिया। फिर उसमें अब आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, खा रहा। खाना को हम इंग्लिश में ईट कहते हैं, हमने ईट के संग आईएनजी लगा दिया। और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज की जगह हमने वॉज लगा दिया। वर्ब हमको चाहिए थी तो हमारी वर्ब थी ईट, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग हो गया। और हमारा ऑब्जेक्ट था फूड, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही वॉज ईटिंग फूड। नेक्स्ट देखते हैं, वे खेल रहे थे। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे, क्योंकि खेल कौन रहा है, वे खेल रहे हैं, तो वे हम लेंगे सब्जेक्ट, हमारा हो गया दे,
वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं। फिर हमको वॉज या वर में से लगाना है। आगे हमने पढ़ा कि उसमें दे के संग अगर होता है तो दे हमारा सब्जेक्ट है तो उसके संग हम वर यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमने वर को ऐड कर दिया। फिर हमारा आता है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी क्या थी, खेलना। खेलना को हम प्ले कहते हैं। प्ले में हमने आईएनजी ऐड किया तो हमारा हो गया प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या खेल रहे थे हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम केवल इतना ही छोड़ देंगे, सब्जेक्ट वॉज वर और मेन वर्ब में आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वे खेल रहे थे का दे वर प्लेइंग। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हम स्कूल जा रहे थे। इसमें भी रहे थे ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन स्कूल जा रहा था। हम स्कूल जा रहे थे तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया वी। फिर वी के संग भी हम वर लगाते हैं तो हमने इसको यहाँ पे वर लगा दिया। फिर हमको चाहिए कि कार्य क्या हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं, जाना को होता है गो और गो में हमने आईएनजी लगा दी तो हो गई गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो हमने यहाँ पे स्कूल लिख दिया। तो हम स्कूल जा रहे थे का मतलब हो गया वी वर गोइंग टू स्कूल। नाउ फोर्थ एग्जांपल, सीता गाना गा रही थी। इसमें अगेन रही थी है तो यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे देखिए सीता है, यहाँ पे ही शी एट आई वी ये सब नहीं है बल्कि हमारा नाउन दिया हुआ है सीता, तो हमने सीता को रखा। और अगर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके संग भी हम वॉज लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमने यहाँ पे वॉज ऐड किया। फिर काम क्या हो रहा था, गाना गाने का, तो गाने को कहते हैं सिंग। फिर उसमें हमने आईएनजी ऐड की तो सिंगिंग हो गया। और वो क्या गा रही थी, गाना गा रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा है गाना सॉन्ग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने सॉन्ग ऐड किया। हमारा सेंटेंस हो गया सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आज हम केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे उसे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे।